गरियाबंद के देवभोग सिंचाई अनुविभाग में बहने वाले बरसाती तेल नदी में एनासर घाट पर 72 करोड़ तो कोदोबेड़ा घाट में 19 करोड़ की लागत से जल पलावन योजना तैयार किया गया। यह दोनों योजना प्रदेश भर में लागू एक लौती जल पलावन योजना है, लेकिन दोनों योजना फेलवर साबित हो गए। आंध्र प्रदेश एवं यूपी के सफल सिंचाई के जल पलावन योजना का यह देवभोग सिंचाई अनुविभाग में बने नहरों में जलकुंभी एवं अरबी के पौधे बता रहे हैं कि इन नहरों के जरिए सालों से सिंचाई के लिए पानी ही नहीं गया। नदी के बहते पानी के अलावा भीतरी जल स्रोत से जिस कुएं से पानी सिंचाई के लिए भरने का दावा किया गया, आज वह कुआं रेत से पटा पड़ा है। आलम यह है कि योजना के करीब मौजूद किसानों को भी डीजल पंप के सहारे खेतों का प्यास बुझाना पड़ रहा है। 100 पीस बन चुके इस योजना के नहर किनारे मौजूद किसानों की जब आस टूट गई तो कईयों किसानों ने नहर किनारे ही सोलर पंप लगाकर सौर सुजला योजना से सिंचाई लाभ लेने लग गए हैं। पानी लिए सिंचाई का जी सर, इसमें जो है चढ़ू होने के नाते अनसर 0 चैन है। अनसर मटिया मुनगा पदर रुमाल तक किसान को जो है डीजल पंप से सुविधा करके पलायन करते हैं। खुद आप लोग सुविधा करते हो? स्वयं किसान ही करते हैं ना, शासन से नहीं। तो ये नहर से पानी नहीं मिलता आप लोगों को? नहर से मिलता है ना, पंप से नहीं। नहर खुद पंप ले जाते हैं? पंप से लेते हैं ना। तो इसमें भी कोचाई वोचे के नेड़गा है, पानी तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है इसमें। गेट नाला जो है रेत फटा गया है, उसको शासन जो है खुद ही करके लेता है उरमाल नीचे वाले किसान के लिए। यहाँ लोकल वालों को नहीं मिलता है फायदा? लोकल वाले को नहीं मिलता है ना। क्या नाम लिखते हैं? लखन राम। लखन राम मान जी, ठीक तो नहीं है यहाँ तो, रेत वेत सब पूरा पड़ गया है, उसको साफ सफाई करने से तो होगा। कितना साल हो गया? दो साल हो गया। कोई काम नहीं हुआ तो वो रेती पटा गया, इसलिए पानी नहीं आता। जितना पानी आना चाहिए नहीं आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा है जितना पानी आ रहा है। नीचे गेट में तो निकलेगा ही नहीं। क्यों? रेत भर गया है ना, तो कहाँ से निकलेगा नीचे से? तो सफाई वफाई के लिए बोलते हैं हम लोग? हम कहाँ से बोलेंगे भाई, वो उन्हीं लोग जानेंगे, कृषि विभाग वाले, सिंचाई विभाग वाले। क्या नाम लिखते हैं आप? जल सिंह जगत। मिला है यहाँ से? नहीं, डीजल पंप से लेते हैं। अच्छा, क्यों नहीं लेते? कहाँ, हमारे यहाँ तो जाता भी नहीं नदी केनाल का पानी खेती में। अच्छा, तो 0 चैन से कितना दूर है आपका, कितना मीटर दूर है आपका खेत? 5 फरलंग है सामने नदी के, पाइप के नीचे। हाँ, मतलब 10 कदम दूर है? हाँ, 10 कदम दूर में। लेकिन सिंचाई सुविधा नहीं मिलता? नहीं मिलता। तो पानी जरूरत होता है कैसे करते हो? डीजल पंप से लेते हैं। अच्छा, क्या नाम लिखते हो? रामेश्वर। रामेश्वर माझी। कितना एकड़ है? 1 एकड़ है। नहीं होता यहाँ पे? पिछले साल करवाए तो थे, बाकी किए थे हम लोग, मगर 4 महीने का पैसा नहीं मिला है। फिर भी बोल रहे थे इन साल भी काम करो, पैसा मिल जाएगा। यदि पिछले साल का नहीं दिए हो तो कैसे काम करेंगे हम लोग? नहीं, 2-2 हाजिरी देंगे दिन में, 1 दिन का 2 हाजिरी देंगे ऐसे बोले तो। 1 सप्ताह किए भी, फिर भी पैसा जमा नहीं हुआ है अभी तक के। इसलिए हमने, हमारे गाँव में है चाबी गेट का, बंद करके रखे हैं गेट का चाबी, काम नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं अभी। काम क्या क्या करते थे इसे? मतलब रेती येतु को हटा करके जैसे होना चाहिए प्रयास करके हम पानी आगे ले जाते थे। लेकिन मतलब इस बार नहीं कर रहे? रुमाल से धौराकोट तक के जो भी हो जितना दूर सप्लाई पहुंचाते थे। हाँ, लेकिन इस बार नहीं कर रहे? नहीं कर, क्यों? फालतू फालतू कौन करेगा? पैसा नहीं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। पैसा नहीं दिए? नहीं दिए। क्या नाम लिखते हैं? महोत्तम नेताम, पिता मोहन नेताम। इन दोनों योजनाओं से देवभोग एवं मैनपुर ब्लॉक के 34 गांव में 15,000 एकड़ से भी ज्यादा खेतों को खरीफ सीजन में अवर्षा के समय सिंचाई सुविधा दिलाने का दावा किया गया था, पर सारे दावे कागजी साबित हुए। दरअसल जिन प्रदेशों में यह योजना सफल है वहां 12 माह तेज बहाव वाले बड़ी नदियों में इसे लागू किया गया है, पर छत्तीसगढ़ में इस योजना को बारिश पर कम बहाव वाले नदी में लागू कर सरकार के पैसे पानी की तरह बहाकर केवल ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया। वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी इन योजनाओं को अब अतिरिक्त डाइवर्शन योजना तैयार कर सपोर्ट सिस्टम तैयार करने की बात विभाग कह रहा है। तो किस तरह से क्यों नहीं हो पा रहा है और क्या उसके लिए उपाय कर रहे हैं आप? उरमाल जल प्लावन में पहले एनी कट प्रपोज था, जो उड़ीसा गवर्नमेंट के कारण ऑब्जेक्शन के कारण वो काम थोड़ा बहुत 10% काम हुआ था और उन्हीं के ऑब्जेक्शन के कारण काम बंद हो गया। उसको अब उसने उसको डेवलप
सिंचाई को क्षमता को पर्याप्त लाने के लिए उसमें डाइवर्सन स्कीम प्रपोज करेंगे, जिससे बनने से क्या है कि अपनी पूरी जो टारगेट है वो पूरा अचीव हो जाएगा उससे। और तेल नदी जल प्लावन में अपने कमाड़ योजना से जो केनाल निकली है उसको उससे जोड़ देंगे उसकी पुरानी केनालों से, तो उसमें भी अपना जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। नहरों की सफाई क्यों नहीं होता, किस वजह से नहीं हो पाता, काफ़ी उसमें भरे पाए है 20 रुपये हेक्टेयर एकड़ के हिसाब से उसमें रख रखाव में पैसा मिलता है, जो आज के हिसाब से बहुत कम है। उसके कारण क्या है कि नहरों की सफाई ठीक से नहीं हो पाती, फिर भी हम लोग इधर उधर से कुछ फंड कलेक्टर सेक्टर का लेके सफाई करवाए हैं। इस साल प्रतिशत थोड़ा सुधार हुआ है, उसमें भविष्य में भी और सुधार होने की संभावना है उसमें। गरियाबंद से जय विलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।